everyone, welcome or welcome back. I hope you all are doing well. Today we have a brand new product review, or I would say experience, on this L'Oreal ka UV Defender. यहाँ पे इनके आई थिंक 5 से 6 वेरिएंट्स लॉन्च हुए थे, बट जो हमने पिक किया है, मैंने यहाँ पिक किया है मॉइस्ट एंड फ्रेश विद हैलुरोनिक एसिड वाला वेरिएंट. दैट्स हाउ दिस आउटर पैकेजिंग लुक्स लाइक, और ये है इसका अंदर का पैकेजिंग. नाउ मोस्ट ऑफ पीपल आर सेइंग कि जो इनकी पहले वाली सनस्क्रीन थी उसी को रीफॉर्मुलेट करके ये सनस्क्रीन्स बनाई हैं, एंड ये वाला जो वेरिएंट है ये उसका कॉपी है. लाइक जो पहले आता था ब्लू वाली जो पैकेजिंग थी उसकी ये वाली रिफॉर्मुलेशंस हैं. सो मैंने तो वो पुरानी वाली फॉर्मुलेशन ट्राई नहीं करी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो आई कैन नॉट कंपेयर कि ये उससे बेटर है या उसके जैसी है या नहीं. तो मैं इसी के बारे में बात करूँगी आपको और इसी का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी. सो इफ यू इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. सो यहाँ पे आपको ये 50 ml का प्रोडक्ट मिलता है और इसका प्राइस है 699 rupees. क्वाइट अफोर्डेबल आई फील. इस तरह की पैकेजिंग में आता है ये. बहुत ही स्लीक सी पैकेजिंग है. ऊपर इस तरह का कैप है, जैसे आप इसको खोलोगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का ये छोटा सा नोजल मिलेगा जिसे आपको प्रोडक्ट को लेना है. इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसमें आपको मोस्टली इसमें केमिकल फिल्टर्स ही मिलेंगे. ऑन द टॉप आपको इसमें अल्कोहल डी नेचर मिलेगा. ये देखो, जितनी भी इस तरह की जो लाइट टेक्सचर वाली सनस्क्रीन्स होंगी ना, उसमें आपको अल्कोहल डी नेचर अल्कोहल ये आपको ऑन द टॉप ही मिलेगा. ना अल्कोहल का भी एक काम होता है, इट हेल्प्स इन बेटर अब्जॉर्प्शन और यू नो लाइट टेक्सचर को लाइट फील कराने में हेल्प करता है, एयरी फील देता है, बिल्कुल लाइट लोशन लाइक फील देता है. सो सनस्क्रीन में अल्कोहल्स फॉर मी इज़ फाइन, बिकॉज आई नो कि सनस्क्रीन ऑन द टॉप आपकी लगती है, उसके नीचे आपके ऑलरेडी हाइड्रेटिंग लेयर्स होती हैं, आपका मॉइस्चराइजर होता है, उसके बाद ही आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हो. तो आई थिंक सनस्क्रीन में अल्कोहल को वी कैन पास. ना उसके अलावा इसमें आपको बंच ऑफ ह्यूमेक्टेंट्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारे ह्यूमेक्टेंट्स हैं, लाइक प्रोपेन डीओल है, हैलुरोनिक एसिड है, ग्लिसरीन है, और हैलुरोनिक एसिड यहाँ पे हाइड्रोलाइज्ड हैलुरोनिक एसिड है, और कुछ इसमें ग्लाइकॉल्स डले हुए हैं, एंड मोस्टली इसमें सारे केमिकल फिल्टर्स ही हैं, आपको कोई भी इसमें फिजिकल फिल्टर नहीं मिलेगा. एंड रेस्ट इसमें आपको लिना लूल परफ्यूम फ्रेग्रेंस वो सब मिलेगा. ना इसमें जो परफ्यूम फ्रेग्रेंस इन्होंने लास्ट में मेंशन किया है, लिना लूल ऊपर है बट परफ्यूम एंड फ्रेग्रेंस इन्होंने लास्ट में मेंशन किया है. ना इसके टेक्सचर की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा लाइट टेक्सचर है, मुझे ये टेक्सचर बहुत अच्छा लगा है. वेरी वेरी लाइट लोशन लाइक टेक्सचर है, बहुत ईजिली ब्लेंड इन हो जाता है आपकी स्किन में. और देखो, एक ना अल्कोहल प्लस एक बहुत ही प्यारा सा फ्लोरल सा इसमें सेंट दिया हुआ है इन्होंने, जो अल्कोहल की स्मेल को सप्रेस कर रहा है. बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, वेरी वेरी लाइट, जैसे मेकअप BBCC क्रीम से जो फ्रेग्रेंस आता है ना, वैसा वाला इसमें से फ्रेग्रेंस आ रहा है. बहुत ज़्यादा लाइट है, डजंट बॉदर मी एट ऑल, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, टेक्सचर बहुत ज़्यादा लाइट है, और एक बिल्कुल सिल्की सा एक ग्लोई ग्लोई सा फील आपको फिनिश आपको ये देता है. एंड रीएप्लीकेशन भी इसका इजी है. एंड इसको रिमूव करने के लिए देखो, मोस्टली मैं यू नो माई सेल्फ वाटर प्रेफर करती हूँ रिमूव करना सनस्क्रीन के लिए, बट अगर आप यू नो बार बार रीअप्लाई करते हो, मेरा बार बार रीएप्लीकेशन नहीं होता है बिकॉज मेरा ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है सन में, बट आपका ज़्यादा एक्सपोजर है और आप बार बार रीअप्लाई करते हो, आई फील वैसे तो देखो माइसेलफ वाटर्स आर सफिशेंट, वो क्लियर कर देते हैं अगर आप डबल क्लेंस कर रहे हो, क्या माइसेलफ वाटर के बाद आप एक वाटर बेस्ड क्लेंजर यूज़ कर रहे हो, देन इट्स फाइन. बट अभी करंटली बिकॉज आई हैव टू फिनिश माई क्लेंजिंग ऑयल्स में बस पड़े हुए हैं, तो अभी तो मैं करंटली क्लेंजिंग ऑयल्स ही यूज़ कर रही हूँ. और अभी ऑफकोर्स अमायरा ने स्कूल जाना शुरू कर दिया है, तो मुझे धूप में एक दो बार जाना होता है, तो उसके लिए भी मैं बार बार दो बार तो एटलीस्ट रीअप्लाई होती है मेरी सनस्क्रीन, और एक बार तो दोबारा से ज़रूर रीअप्लाई होती है. सो इन दैट केस आई प्रेफर अ क्लेंजिंग ऑयल और अ क्लेंजिंग बाम टू यू नो रिमूव माई दैट सनस्क्रीन बिल्डअप जो पूरे दिन का हुआ होता है. सो
यूजली ये आपका माइसेलर वाटर से भी निकल जाएगा. इट्स नॉट वेरी हार्ड एंड इट्स नॉट वेरी थिक. बहुत ज़्यादा लाइट है. ओवरऑल आई लाइक इट. मुझे अच्छी लगी है. आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द वेरियंट. नाउ इसके बाद मुझे कौन सा वेरियंट ट्राई करना चाहिए आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. और इसमें से कोई और अगर वेरियंट आपने खुद ट्राई किया है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कौन सा यूज़ किया. और साथ में अपना स्किन टाइप ज़रूर लिखना बिकॉज माई स्किन इज़ ऑयली कॉम्बिनेशन एक्ने प्रोन एंड वेरी वेरी सेंसिटिव. मेरी स्किन पे ये सूट हो गया है. आई डोंट नो अबाउट रेस्ट ऑफ जो भी इसके वेरियंट्स हैं उनका मुझे नहीं पता कि वो कैसे बैठेंगे. बट अगर आप में से किसी ने भी ये यूज़ करे हैं तो मुझे बता देना. मुझे ये अच्छी लगी है. इट्स अ गुड वन. इफ़ यू वॉन्टेड टू ट्राई दिस वन आउट यू कैन. देयर इज़ इट गाइज. दैट्स ऑल अबाउट दिस क्विक रिव्यू वीडियो. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. थोड़ी सी भी हेल्प मिली है गिव दिस वन अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. आई विल सी यू माई नेक्स्ट वीडियोज गाइज. अंटिल देन टेक केयर एंड स्टे ब्यूटिफुल. बाय बाय.